नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल केआर मार्केट गुरुकुल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर लेटेस्ट वीडियोस, और जो भी मतलब कि हम लोग यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट्स डालते हैं तो उसका मतलब कि डायरेक्ट आपको यूटिलाइजेशन होने के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, मतलब आप यदि सब्सक्रिप्शन का स्क्रीनशॉट ये व्हाट्सएप नंबर पे भेजते हो तो आपको एक बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी के ऊपर हैंडबुक दिया जा रहा है। सो बी फास्ट, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, और आपका जो बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी का हैंडबुक है उसे आप रिजर्व कर लीजिए। ओके, सो चलिए आज मतलब कि हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि जो अगला हफ्ता है तो अगले हफ्ते में मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए हम लोगों को कौन से स्ट्रेटजी का यूज करना है, किस स्ट्रेटजी से हम लोग मार्केट में मतलब कि अगले हफ्ते में पैसे बना सकेंगे। ओके, तो जैसे दोस्तों अभी लास्ट वीक है, लास्ट वीक में काफी मतलब ये वीक जो अभी लास्ट हुआ है ये वीक में भी काफी हलचल हुई है। जैसे कि महाराष्ट्र असेंबली, हरियाणा असेंबली का जो इलेक्शन था, सो इलेक्शन रिजल्ट यहाँ पे थे। काफी मतलब कि जो इलेक्शन के सर्वे किए गए थे या ओपिनियन पोल्स बताए गए थे तो उनमें क्लियर मैंडेट बीजेपी को आ रहा था। दैट्स व्हाई मतलब मार्केट में इतनी उथल पुथल नहीं देखने को मिली है। मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड यदि होता था मार्केट में तो जरूर मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट करता था। ओके, और ऊपर से वो स्टेट इलेक्शंस थे, असेंबली के इलेक्शंस थे, तो दे मतलब इतना ज्यादा इंपैक्ट उसका नहीं होता है एज कंपेयर टू द मतलब कि जो मेन इलेक्शंस होते हैं। बट स्टिल एज अ इंडियन मार्केट में स्टेट इलेक्शंस भी मायना रखते हैं, लेकिन एक्चुअली आप यदि ग्लोबली उसको कंपेयर करें विथ अदर मार्केट्स, जो बड़े मार्केट्स हैं जैसे कि यूएस और यूरोपियन मार्केट्स, तो वहां पे स्टेट इलेक्शंस का इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन मार्केट देखने को नहीं मिलता है, राइट। बट दिस इज इन इंडिया, आपको ये देखने को मिलेगा, राइट। और भी जैसे दोस्तों मतलब यहाँ पे जो देखा जाए, जैसे FIIs है, DIIs है, उनकी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी को हम लोग यदि कंपेयर करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं लास्ट वीक में मतलब कि दोनों के दोनों अभी 22 ऑफ अक्टूबर से ये वीक स्टार्ट हुआ है, तो FIIs और DIIs दोनों सेलिंग साइड ही यहाँ पर है, राइट। एक बड़ी बाइंग हुई थी FII के ओर से ऑन 17th ऑफ अक्टूबर। ओके, आप देख सकते हैं ये, तो अभी मैं 17th ऑफ अक्टूबर की आपको कैंडल दिखा दूं दोस्तों, तो आप भी मतलब कि अमेज हो जाओगे। दिस इज द कैंडल ऑफ 17th ऑफ अक्टूबर, तो आपको मतलब ये क्लियर कट समझना चाहिए हम लोगों को कि FII जब मार्केट में अग्रेसिव होते हैं इन एनी डायरेक्शन, वो यदि बाइंग या सेलिंग करते तो वो इम्पैक्ट मार्केट में काफी हद तक देखने को मिलता है। सो मार्केट को हेल्दी रखने के लिए हम लोगों को जो है FIIs की काफी जरूरत है इन मार्केट, और जैसे वो ट्रेडिंग करते हैं सो वी मतलब हम लोगों का ट्रेडिंग उसी हिसाब से फिर कर सकते हैं, राइट। तो जैसे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे नेट मतलब उनका मंथली तो वो निगेटिव ही है, DIIs ही मंथली पॉजिटिव है, लेकिन DIIs का फंड कब तक DIIs कैपेबल रहेंगे मार्केट को सस्टेन करवाने में, सो दैट इज अगेन वन ऑफ द बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन स्टिल उन्होंने भी काफी यहाँ पे अग्रेसिवली ही सेलिंग की है विद द FIIs। दैट्स व्हाई मतलब देख सकते हैं आप जैसे पिछले हफ्ते में सेलिंग आई है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी भी रजिस्ट हुआ है। मतलब 11,700 का जो उसका लेवल था, जो उसको एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर मतलब कि वो एक्ट कर रहा, तो वो जोन से ही आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, राइट। मतलब एक कंफर्मेशन अपसाइड नहीं देखने को मिल रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था ऑन वेरी नेक्स्ट डे ऑफ मतलब FIIs एक्टिविटी, सो 18th ऑफ अक्टूबर को, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। सो यहाँ पे भी अभी स्ट्रॉन्ग यदि रिजेक्शन आता है दोस्तों इन डेली टाइम फ्रेम, तो एक मतलब 11,350 तक की डाउनसाइड हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये डॉटेड लाइन यहाँ पर लगा दी है दोस्तों, तो दिस इज जस्ट सिंपल एनालिसिस ऑफ निफ्टी एज कंपेयर टू द एक्टिविटी ऑफ द बिग प्लेयर्स। तो बिग प्लेयर्स वी आर कंसिडरिंग FIIs एंड DIIs, सो क्लियर कट मैंडेट वो यहाँ पे बोल रहे हैं, राइट। No need to do any kind of the extra hard work, no need to do कोई आपको indicators या बहुत ज़्यादा complications यहाँ पे लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें यहाँ पर है, so everything is a much more clearer manner, right?
सो अभी अगले हफ्ते में यदि हम लोगों को निफ्टी को ट्रेड करना है विथ जैसे डेली टाइम फ्रेम आप उसको यदि ट्रेड करना चाहते हो, सो यहाँ पर हम लोगों को जो है यहाँ पे एक यदि रिवर्सल मिलता है बड़ा अच्छा खासा डाउनसाइड, अभी ये मतलब रिवर्सल यहाँ पे है तो यहाँ पे आप यदि सेलिंग एंट्री भी लेते हो तो 11,700 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो। सो जब तक निफ्टी 11,700 के ऊपर ऑन क्लोजिंग बेसिस नहीं जाएगी सो तब तक आप मतलब कि इसमें मतलब सेलिंग में ही रह सकते हो। एक और चीज दोस्तों यहाँ पर है कि आप यदि देख सकते हो कि पिछला हफ्ता या और भी मतलब एक दो हफ्ते जो पिछले गए तो एक अपवर्ड डायरेक्शन उसमें देखने को मिला है, काफी इवेंट्स इसके अंदर हुए हैं, काफी चीजें इसके अंदर हुई हैं, बट यहाँ पे कैसे था मतलब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है बहुत, मतलब इसको बैंकिंग भी काफी हद तक लीड कर रहा है, जैसे कि बैंकिंग रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, ऊपर से दिस इज अ वीक ऑफ द दिवाली सो लोग जो भी गोल्ड होता है या और भी कुछ चीजें होती है जो मतलब वो दे हैव टेकन द लोन्स फ्रॉम द बैंक तो वो भी काफी हद तक क्लियर होते हैं इन दिस पीरियड, तो मतलब एक पॉजिटिविटी भी वो मार्केट में देखने को मिलती है। सो दिवाली के हिसाब से पॉजिटिविटी हो सकती है, यदि ये रैली को कंटिन्यू मार्केट को करना है तो एक 11,700 के ऊपर उसने क्लोजिंग देना चाहिए और उसी के बाद मतलब फ्यूचर का उसका डायरेक्शन अपवर्ड क्लियर कट होगा, मतलब वो क्लियर कहा जाएगा कि हाँ अभी निफ्टी में दम है, निफ्टी अभी कुछ कर सकता है, राइट। सो तब तक मार्केट में कोई पॉजिटिव क्योंकि क्लियर कट डेटा भी देखने को मिल रहा है, उसका जो चार्ट है चार्ट भी सेम चीज बोल रहे हैं कि 11,700 को उसने सस्टेन नहीं किया है, राइट। अभी इसको दोस्तों यदि हम लोग एज कम्पेयर टू दिस इज अ वीकली टाइम फ्रेम तो वीकली टाइम फ्रेम में तो ठीक ही है, वो अभी मतलब इन मतलब उसका जो रेजिस्टेंस जोन है तो वहीं पे वो वर्क कर रहा है, ओके। अगेन उसको मैं यदि अवरली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों देख रहा हूँ तो अवरली टाइम फ्रेम में भी एक क्लियर कट ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है, ओके। सो जब तक मतलब अवरली टाइम फ्रेम भी यही बोल रहा है कि जब तक वो 11,700 के ऊपर नहीं सस्टेन होता है तो तब तक यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऊपर से ट्रेंड लाइन कंटिन्यूअस रिजेक्शन देके उसको डाउनसाइड लेकर आ रही है, राइट। सो अभी डायरेक्ट एंट्री या मैं कहूँ निफ्टी के अंदर विद द बेसिस ऑफ द अवरली टाइम फ्रेम फॉर स्विंग ट्रेडर्स तो अभी कोई भी उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, आइदर जोन्स में उनका एक्शन उसका रिएक्शन देख के आप अपनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे वो आएगा ये 540 से लेके मतलब 500 तक का ये जो जोन है जोन में आएगा, यहाँ से रिवर्सल उसके अंदर दिखेगा तो ही बाइंग के बारे में आप सोच सकते हो, यहाँ से इसको फिर से ब्रेक करता है सो ऑन क्लोजिंग बेसिस ऑफ 11,500 उसके भी 10 पॉइंट नीचे मतलब कि 490 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है सो यू में मतलब कि थिंक फॉर द सेल, राइट। सो क्लियर कट निफ्टी में अवरली टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडर्स के लिए फिलहाल कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं है, राइट। अगेन दोस्तों बैंक निफ्टी को यदि कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी ही वो इंडेक्स है जिसने मतलब कि अब तक लीड किया है, बैंकिंग स्टॉक्स ने ही लीड किया है। लास्ट दो दिन जो रैली आपको देख हम मतलब कि यहाँ पे मार्केट में हम लोगों को जो लास्ट कुछ दिनों में रैली देखने को मिली थी, जो ब्रेकआउट भी हुआ था उसका, सो चलिए उसको कंपेयर भी हम लोग यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों अभी ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है अपसाइड वाली, तो अभी क्या होगा उसको वो सस्टेन कर पाएगा वो ट्रेंड लाइन को या फिर यहीं से वो मतलब कि रिवर्स करेगा, सो वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। बट जैसे दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है तो क्लियर कट एक रिजेक्शन लिया है बैंक निफ्टी ने, ये वाला जो कैंडल है क्लियर कट अच्छा खासा कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। सो अभी मतलब जब तक ये कैंडल के ऊपर ऑन मतलब क्लोजिंग नहीं देता है तब तक फिर बैंक निफ्टी 30,500 तक नहीं जाएगा, एक बार उसको मतलब क्लोजिंग देना होगा अबोव द लेवल ऑफ मतलब 2,9,750 के ऊपर उसको देना होगा तभी जाके वो और जाके अराउंड 100 पॉइंट या मैं कहूँ सॉरी उसके बाद वो अराउंड 1,000 पॉइंट या मैं कहूँ 800 से 1,000 पॉइंट की रैली वो कर पाएगा, राइट। इनर डाउन साइड ये जोन उसको सपोर्ट कर ही रहा है सो अभी देखेंगे कि किस हिसाब से वो अपना एक्शन ले रहा है और अकॉर्डिंगली फिर हम लोग भी वहां पे रेडी हो जाएंगे फॉर टेकिंग द एक्शन। और दोस्तों जैसे ये अवरली टाइम फ्रेम है फॉर निफ्टी तो अवरली टाइम फ्रेम में भी उसमें अभी काफी ट्रेंड लाइन बन चुके हैं, काफी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। सो अभी यहाँ पे देखते हैं कि वो सस्टेन करता है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है क्या और फिर मतलब कि अपना जो जोन है अराउंड मतलब कि 29,700 का तो उसके ऊपर यदि क्लोजिंग देगा इन अवरली टाइम फ्रेम तो ही इसके अंदर मतलब स्विंग ट्रेडर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अदरवाइज यदि फिर 29,600 से यहाँ पे मतलब उसको रिजेक्शन आता है तो आप सेलिंग के लिए सोच सकते हो, क्लियर कट सेलिंग आपको मिले
सो यहां से आप फिर उसका यूटिलाइजेशन विद द स्टॉप लॉस ऑफ 29700 से आप यहां पे कर सकते हो। सो दोनों चीजें मैंने बोल दी है दोस्तों, इसको आप यूटिलाइज कीजिए। इन जोन्स को आप यदि अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। जो भी टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किए हैं, सो जैसे आप डेली और मतलब कि अवरली टाइम फ्रेम को यूटिलाइज कर सकते हो, और इसी के साथ अपना जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हो। इसके नीचे भी दोस्तों हमारे नंबर्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको कोई भी वहां पे मतलब दिक्कत आती है इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिंग, इन टर्म्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्राइस एक्शन, तो आप हमें कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो यही स्ट्रेटजी जो आज मैंने बोली है इन टर्म्स ऑफ द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो यही स्ट्रेटजी हम लोगों को अगले वीक के लिए यूटिलाइज करनी है फॉर द ट्रेडिंग। और आई विश मतलब कि आपकी जो फैमिली है, आप और आपकी फैमिली को वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली फ्रॉम केआर मार्केट गुरुकुल। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो भी कंटेंट्स मैंने यहाँ पे पोस्ट करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए, तो आपको पसंद आए हो और आप इनसे सीखे हो। सो चलिए अभी अगले हफ्ते मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर यूर टाइम, गॉड ब्लेस यू।